केंद्र सरकार से हिमाचल को 60,000 कोरोना वैक्सीन की डोज प्राप्त हुई है, जिसमें शिमला जिले को 5,000 कोविशील्ड की डोज मिल गई है और अब कल से जिला के सभी मुख्य अस्पतालों में फिर से कोरोना के टीके लगने शुरू हो जाएंगे। शिमला की मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेखा चोपड़ा ने बताया कि शिमला जिले को 5,000 कोरोना वैक्सीन मिल चुकी है, जिसको लेकर कल IGMC शिमला और रिपन अस्पताल में विशेष सत्र रखे गए हैं। इसके पश्चात जिले के सभी मुख्य अस्पतालों में वैक्सीन लगनी फिर से शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस खेप के अलावा वैक्सीन की 1400 अन्य डोज भी प्राप्त हुई है, जो पहली बार वैक्सीन लगवाने वाले अथवा 15 से 17 आयु वर्ग के युवाओं को लगाई जाएगी। सुरेखा चोपड़ा ने बताया कि अभी टेस्टिंग काफी कम हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस महामारी को हल्के में ना ले और लक्षण नजर आने पर टेस्ट जरूर करवाएं। भारत सरकार की तरफ से जो हिमाचल प्रदेश के लिए 60,000 डोजेस की जो हमारा नया स्टॉक आया, उसमें से जिला शिमला के लिए कोविशील्ड की हमें 5,000 डोजेस मिल चुकी हैं और हम कल DDU में और IGMC में इसके तहत सेशन करने जा रहे हैं और परसों से हम जितने भी हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं, हेल्थ ब्लॉक्स हमारे 10 हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में, तो हमारे जो मेन मुख्य हॉस्पिटल्स हैं जैसे रामपुर, रोड़ू, ठियो, कुमार सिंह, चौपाल, सुन्नी, तो हम इन मेन हॉस्पिटल्स जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं हमारे विशोबरा, इनमें हम करने जा रहे हैं और इसको आगे और भी बढ़ाएंगे हम देखते हुए कि कितने लोग अभी भी एलिजिबल हैं, तो हम इसको बढ़ा लेंगे और हमारे को जो फ्रेश स्टॉक मिलेगा उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको इंक्रीज करते रहेंगे। इसके अलावा हमें 1400 डोजेस कोवैक्सीन की भी प्राप्त हुई हैं, जो कि 15 से 17 साल के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको लगा सकते हैं और वो लोग जिनको फर्स्ट या सेकेंड डोज अगर कोवैक्सीन की लगी है तो उनको भी जो प्रिकॉशन डोज है उस द्वारा हम लगाएंगे। अगर हम बात करें तो आज तक तो हमारे पास जीरो स्टेटस, मतलब जीरो केस है, एक्टिव केस हमारा इस वक्त कोई भी नहीं है, जबकि थोड़ा हम इसमें मैं बताना चाहूँगी कि हमारी सैम्पलिंग भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, तो मेरा आप सबके ज़रिए से लोगों से यही आह्वान रहेगा कि वो यदि सिम्टोमेटिक हैं तो इसको लाइटली ना लें, क्योंकि अभी जैसे मौसम बदल रहा है तो सर्दी बुखार तो सबको हो ही रहा है, तो उसको ये ना सोच के टाल दें कि सिर्फ सर्दी बुखार का ही सिम्टम्स हैं, क्योंकि कोविड के भी सिमिलर सिम्टम्स हैं, तो अपना अवश्य टेस्ट करवाएं निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाके, और RT-PCR करना ज़्यादा इसमें एडवाइजेबल है, क्योंकि हम RT-PCR से हम उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी आगे करने के लिए भेजेंगे, तो उस द्वारा हम ये देख सकते हैं कि कोई नया स्ट्रेन तो नहीं है, जैसे कि और डिफरेंट देशों में अभी नए स्ट्रेन आए हैं, तो उसको रूल आउट करने में भी RT-PCR हमारी हेल्प करेगा। तो मेरी लोगों से यही आह्वान है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निरंतर अपनाते रहें, मास्क पहनना और हैंड हाइजीन, और जैसे कि यदि वो भीड़ भड़ाके के एरिया में आ रहे हैं या हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं तो वहाँ पे अपना मास्क जरूर पहन कर आए। न्यूज डेस्क एनवन लाइव।